यहाँ पे है देवी माँ का मंदिर। बारिश लगते ही पहाड़ियों पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मेहंदी का सामान भी है लेकिन भीग गया, ये तेरे लिए छाता का काम भी कर रहा है। हेलो मेरे YouTube फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमानी, ये आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी दिन के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और आज के वीडियो की शुरुआत 12:30 बजे दिन से हो रही है। और अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज मेरी तैयारी है अपने मायके जाने की। तो मेरी छोटी बहन रचना की शादी है तो हम अभी शादी में जा रहे हैं। बाकी दिन का खाना वगैरह मैंने बना दिया है और मैंने खाना खा भी लिया है। बाकी दीक्षु अभी खाना खा रहा है। हेलो, तो दीक्षु नहीं आ रहा है गोंडार, क्योंकि इसको जाना है कल स्कूल, तो इसके पापा लेके जाएंगे इसको स्कूल छोड़ के, तो ये दोनों नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ मैं जा रही हूँ और दीक्षु ने, क्योंकि ना दीपावली में दीक्षु ने बहुत सारी छुट्टियाँ कर रखी हैं तो इस बार दीक्षु के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है, तो दीक्षु कल स्कूल जा रहा है तो ये नहीं आ पाएगा। पिंकी लोग आ चुके हैं ऊपर रोड में, ठीक है, खाता हुआ इन छत में कपड़ा तो भी ले आवा उन्हें ज्यादा बहुत गवा भाई। अब परसों अभी ठंडी छुट्टी पड़ रही थी तन भी अब, तो 2-4 दिन रहना है वहाँ पे स्कूल में, फिर ठंडी की छुट्टियाँ पड़ रही है तो फिर अभी दीक्षु ने घर ही आना है। मेरा चार्जर कहाँ गया, इधर दे तो निकाल दो। तो गाइस चार्जर यहीं पे भूल चुकी थी भाई मैं, और पिंकी पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, बोल रही है कि तब से क्या कर रही है, बस लेट हो गया, बल मैं जा रही हूँ। और आज ना मौसम देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है भाई, और हमने जाना है ठीक उन पहाड़ियों के पीछे जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब बादल लगे हुए हैं, शायद मेरे मायके में बारिश हो रही होगी। अभी हमने यहाँ से 30-35 किलोमीटर जाना है और वहाँ पे तो बारिश हो रही है, शायद मौसम देखिए आप बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए हैं। और धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं थी, आज तो पूरे दिन बारिश ही थी। दीक्षु बाय, ठीक जी जाता वाह बोला। तो यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है और अब चलते हैं। हेलो, आजा जल्दी, जगह जाग में पढ़ रखे हैं। और हमारे साथ है पिंकी, पिंकी की जेठानी जी, जेठ जी, सभी लोग। तो अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब चलते हैं सीधे अपने मायके की ओर। और मायके जाने की खुशी क्या होती है वो तो आप लोगों को पता है, और वैसे भी शादी है ऊपर से, मैं भी गोरी हो गई आज जाने की, तो मैं तो पहले से ही गोरी थी, बस पिंकी आज गोरी हो गई बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो भाई रोड की कितनी बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि यहाँ ऊपर ना गिरिया गांव के लिए रोड जा रही है तो नीचे बहुत ज्यादा खराब हो रखी है रोड। तो अभी जैसे जैसे हम अपने माई के साइड जा रहे हैं ना, वहाँ रोड इतनी अच्छी है कि लग रहा है जैसे हम देहरादून में जा रहे हैं, देहरादून की सड़क पे जा रही होगी अभी। अभी खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने मदमेश्वर घाटी के खूबसूरत से गांव रांसी गांव में। वैसे तो रांसी गांव आपने बहुत बार देखा होगा कुल पहाड़ की वीडियो में, आरटी के ब्लॉग की वीडियो में आप लोग देखते रहते होंगे, एक बार मेरी वीडियो में भी देख लीजिए। अभी हमने जाना है सीधे इस वाली रोड से और उस किनारे जहाँ पे वो बादल लगे हुए हैं वहाँ तक हमने जाना है, लेकिन हमने गाड़ी तक सिर्फ उस धार तक जाना है, वहाँ से हमने पैदल जाना है। तो बाकी ये रहा रांसी गांव का खूबसूरत नज़ारा। गांव तो काफी ऊपर है लेकिन अभी रोड से पूरा गांव नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अक्तोली धार में और गाड़ी यहां पे लगा ली है। बाकी यहां से मेरा गांव थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मायके का गांव। और अभी हमको यहां से 4 किलोमीटर तक गोंडार तक पैदल जाना है। पंकज लगा रहा है गाड़ी और आज बहुत दिनों के बाद ना पिंकी को भी याद आ रही है व्लॉग बनाने की, तो वो भी बना रही है व्लॉग। माय गॉड, मेरा इस साइड है, ये लोग जा रहे हैं इस साइड। भाई क्यों जा रहे हो भाई, तो इनको लग गई है भूख। मैं तो खाना खा के आ गई थी घर से, लेकिन ये लोग नहीं आए हैं तो ये सामने पे दुकान में बनवा रहे हैं मैगी या भात। खाएंगे मैगी, खाएंगे ठीक है, तो ये मैगी खा रहे हैं और मैं तो खाना खा के आ चुकी हूँ। बाकी थोड़ा सा हम यहाँ पे मैगी बनवाते हैं, खाते हैं, फिर चलते हैं अपने मायके। और ठंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, क्योंकि बारिश लगने के लिए हो रहा है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। जैसे जैसे मायके आओ ना वैसे वैसे बहुत खुशी मिलती है भाई, सबको मिलती है ये मायके आने की खुशी, तो हर बेटी को होती है, तो ऐसी खुशी वाली फीलिंग मेरे को भी आ रही है।
तो अभी बन चुकी है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, और ठंड के मौसम में तो चाय का मजा ही कुछ अलग होता है। बाकी अभी पीते हैं चाय। अरे यार एक अभी हमने चाय भी पी ली है और मैगी भी खा ली है, और देखते ही देखते यहाँ पे बारिश की बूंदाबांदी भी होने लगी है। और ऊपर पहाड़ियों पे देखिए ना, बारिश लगते ही पहाड़ियों पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही है। तो अभी हम चलते हैं, अगर ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगी। वैसे उखीमठ साइड वाला अभी बारिश हो रही है पर अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, तो अभी हम भी चलते हैं। वैसे तो मैं छाता लेके आई हूँ, बाकी ये और लोग छाता नहीं लाए हैं तो मेरा तो फ़ायदा है, मैं तो छाता में जाऊँगी, ये भीग के जाएंगे। तो अभी चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं यहाँ पे। तो अभी रील भी बन चुकी है यहाँ पे और ना अपलोड भी हो गई है, क्योंकि अब ना हमारे इधर भी ना नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना एयरटेल का नेटवर्क फुल रहता है। तो इसलिए हम ना अब जब जाएंगे भी तो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ हम शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब लेकिन अब नहीं होती है। और हमने रील भी बनाई और थोड़ा सा मैंने डांस करने की कोशिश करी है। वैसे मुझे डांस करना तो आता नहीं है पर थोड़ा थोड़ा करा है मैंने भी, वो आप इंस्टाग्राम पे जरूर देखना, आसमानी की ऑफिशियल और प्रियंका राणा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जरूर देखना, इस रील को शेयर करते फॉलो भी करना हमको। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और अब घर जाने के लिए थोड़ा ही रह गया है, तो बारिश लगना स्टार्ट हो गया है। और अभी हम वडियार पे बैठ गए हैं, तो हमारे यहाँ पे ना वडियार बोलते हैं, जैसे ये पत्थरों की गुफा जैसी होती है ना, तो इसको हमारे गढ़वाली में वडियार बोलते हैं। तो वडियार पे बैठ रखे हैं, थोड़ा सा जब तक बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बारिश बंद होगी या कम होगी, क्योंकि गए टाइम की बारिश हो गई है। सभी अभी यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह थरिया गए हैं, तो थोड़ी देर तक रुकते हैं यहाँ पे, बंद होगी तो जाएंगे, नहीं होगी तो। अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो चुका है और फाइनली हम अभी देवीधार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है देवी माँ का मंदिर, इसीलिए इस जगह को देवीधार के नाम से जाना जाता है। बाकी अभी थोड़ा सा ही रह गया है हमारे गांव के जाने के लिए। और यहाँ पे ना रास्ते से हमको हमारे रिश्तेदार भी मिल गए थे, ये हमारी चाची जी हैं, बाकी हमारी सासू जी लोग जो कि आज के हमारे यहाँ के स्पेशल मेहमान हैं। स्पेशल मेहमान का मतलब होता है कि जिनके यहाँ पे हम घर से स्पेशली बुलावा आता है, तो ये रहे। और काफ़ी सारे लोग हैं आज जो स्पेशल मेहमान होने वाले हैं, तो हम भी उनमें से हैं। और अभी सबसे पहले हम यहाँ पे देवी माँ के दर्शन कर लेते हैं। और हमारे गांव के लोग देवी माँ को अपने इस क्षेत्र के रक्षक और यहाँ की कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। जय माता दी। ठीक सामने बह रही है मधुगंगा, जो कि मधमेश्वर घाटी से आती है। और आजकल नदी का पानी बहुत ही कम हो रखा है, लेकिन बरसात के टाइम पे ये नदी ना अपने पूरे विकराल रूप में आ जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी ये खाली जगह है उस किनारे और इस किनारे तक, तो बरसात के टाइम पे पूरी ये नदी फैली रहती है और आजकल बहुत कम पानी हो गया है। और बाकी ना यहाँ पे देखिए सभी लोग वडियार के नीचे बैठ रखे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लग रही है। पर मेरे पास तो छाता है, तो मैं छाता में वीडियो बना रही हूँ, बाकी के लोग वहाँ पे देखो छाव में बैठे हुए हैं। शादी का सीजन है, तो शादी के टाइम पे बारिश नहीं चाहिए, धूप चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना है, हे भगवान कल धूप हो, बारिश ना हो। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं फाइनली हम अपने मायके में, और ये रहा मेरा खूबसूरत सा गाँव गोंडार, जो कि मेरा मायका है मधमेश्वर घाटी का लास्ट गाँव गोंडार। इससे ऊपर बिल्कुल भी गाँव नहीं है, लेकिन हम बारिश में भीगते भीगते आ रहे हैं। और पिंकी के पास देखो भाई, मेहंदी का सामान भी है लेकिन भीग गया, और ये छाता का काम कर रहा है पिंकी के लिए भाई। वीडियो भी नहीं बना सकती क्योंकि ये पूरा गेम, कोई बात नहीं भाई, ये तेरे लिए छाता का काम भी कर रहा है। और अब तो हम पहुंच ही गए हैं, पर बारिश से हो गए हमारे बुरे हाल, पूरे भीग चुके हैं। हाँ, कपड़े भी नहीं ला रखे ऊपर से, चेंज करने के लिए साड़ी ला रखी है लेकिन सूट नहीं लाए यार, अब क्या करें, दीदी से मांगना पड़ेगा घर जाके। और ये रास्ता जाता है सीधे मधमेश्वर धाम के लिए, लेकिन आजकल मधमेश्वर भगवान जी के कपाट बंद हो चुके हैं 6 महीने के लिए,
अपने शीतकालीन गदी स्थल उखीमठ में विराजमान है, लेकिन आजकल यहाँ पे यात्री लोग नहीं जाते हैं, 6 महीने तक बंद है। लेकिन ऊपर मध्यमेश्वर धाम में ना बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है भाई, और हमको जाना है यहाँ से नीचे गाँव के लिए, बाकी इधर से उखीमठ के लिए, और इधर से ये रास्ता जाता है हमारे मुकुड़ा मोहल्ले के लिए जहाँ पे हमारा दूसरा घर है। तो पहुंच चुके हैं घर में, लेकिन यहाँ पे चौक में पूरा का पूरा पानी भर गया है भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओ दीदी नमस्ते। हेलो नमस्ते। ये रहे अंदर। ए माँ प्रणाम। गया पर वे कुदा में आवा आए। तो यहाँ अंदर ना हमसे भी पहले बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं। यहाँ देखो मेहमान नहीं है वे। प्रणाम प्रणाम। जीते रहो जीते रहो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये रचना ना झुरा झुरा के कर रही है भाई शादी, पूरे रास्ते हमको भिगा दिया। और यहाँ पे ना हमारे और भी घरेलू मेहमान आ रखे हैं, नानी जी हैं। ओ नानी जी, मौसी जी, प्रणाम। हे भाई मीना और मीना की लड़की तो एडवांस में आ गए थे यहाँ पे, 10-12 दिन हो गए भाई हम पुराने। छट्टी ठीक से। और यहाँ पे ना अभी टेंट वगैरह लगा रहे हैं, पर ले ले टेंट। मेहंदी कैसी होगी भाई ऐसी बारिश में? तो अभी ना अंधेरा अंधेरा होने लगा है, और अभी मैं अपनी दीदी के घर पे आ गई हूँ। आपको पता है मेरी एक दीदी का ससुराल गांव में ही है, जो मेरे से आगे वाली दीदी है उसका ससुराल गांव में ही है। तो अभी हम उन्हीं के घर पे आ रखे हैं, क्योंकि शादी वाले घर में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है और बैग वगैरह रखने के लिए ना बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, इसलिए हम दीदी लोग उनके घर पे आ रखे हैं कपड़े चेंज करने के लिए। बाकी ना अभी यहाँ पे ना दीदी चाय बना रही है हमारे लिए, तो सीधे चाय पीने के लिए भी दीदी के घर पे आए। हेलो दीदी। हाय, ये है मेरी दीदी, ये बैठ गए हैं जी जी सभी लोग। तो अभी हम चाय पीते हैं। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, तो मेहंदी आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ हैं मस्त हैं, अपना ख्याल रखें। बाय बाय। मेहंदी में मिलते हैं सीधे।